जैसे मैं ये सवाल ले लूं कि 1 + 2 + 3 + ... मान लो 99 + 100 + 99 + ... 2 + 1, मतलब मुझे यदि यार इसका योगफल करना है तो मेरा योगफल क्या आएगा। तो इस तरीके का जैसे कभी सवाल आता है तो लोग क्या करते हैं, जिनको तरीका नहीं मान लो पता है तो वो क्या करेंगे, इसे छोड़ के चले आते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कौन जोड़ता रहेगा। तो जैसे मान लो कि क्या करना है, आप लोगों को जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपको तुरंत आप क्या करेंगे, 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालेंगे। वो भी किस तरीके से निकालेंगे, निकालने का तरीका जैसे मैं आपको एक छोटा पैटर्न समझाऊं। ये तो मान लो काफी बड़ा पैटर्न दी है, इससे भी बड़ा आ सकता है, लेकिन आपको क्या है छोटे पैटर्न से समझना। जैसे मान लो मैं ये बोलूं, यदि अगर मैं 1 + 2 + 1 करूं तो मेरा कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। अब यदि अगर मैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1 करूं तो मेरा क्या होगा, 9 निकल के आएगा। मतलब क्या किया मैं, पहले 3 तक गया, फिर 3 से वापसी हुआ 1 तक। तो इस तरीके से जब मैंने किया तो मेरा योगफल क्या निकल गया है, 9 निकल गया है। यदि अगर मैं 4 तक जाता हूं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 करता हूं तो मेरा 16 निकल गया था। जब मैं इसका योगफल करता हूं तो ये कितना हुआ, 6 6 12 4 16 निकल के आया। इसी तरीके से यदि अगर मैं 5 तक जोड़ू, 3 + 4 + 5, फिर 5 से वापसी हो जाऊं, 4 + 3 + 2 + 1 करूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। जब मैं इसका योगफल करूंगा तो मेरा कितना हुआ, 6 4 10 10 10 20 5 25 निकल के आया। तो आपने इसमें क्या देखा कि यदि अगर मैं क्या कर रहा हूं, 1 से लेके किसी अंक तक जा रहा हूं, फिर वहां से वापसी होकर 1 तक आ रहा हूं, तो मेरा क्या हो रहा है, जो बीच वाला अंक है तो उसका वर्ग के बराबर आ रहा है योगफल। जब भी मैंने क्या देखा, मैं यहां से 1 + 2 + 1 किया तो मेरा 4 आया, मतलब बीच वाले का वर्ग आया। जब मैंने 1 से 3 तक गया, फिर 3 से वापसी 1 तक हुआ तो मैंने क्या देखा कि बीच वाले का वर्ग निकल के आ रहा है योगफल। इसी तरीके से इसमें क्या हुआ, वर्ग निकल के आया। अब यदि अगर मैं इसी में जैसे मान लो आपको इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे बीच वाली संख्या का वर्ग कर देना है। अब यदि अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज हो के इस तरीके से आ जाए, जैसे मैं ये कर दूं कि इसका वर्गमूल ले लो, तो जब मैं वर्गमूल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल के आएगा योगफल का। तो जब योगफल का वर्गमूल करूंगा मैं, जैसे मैंने 4 का किया तो मेरा कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। 2 निकल गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाली संख्या ही सेम आ गई, कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या ही सेम आ गई। जब मैंने इसका इसी तरीके से वर्गमूल लिया तो मेरा क्या हुआ, इसका वर्गमूल लिया तो मेरा 3 आया, यानी कि बीच वाली संख्या ही सेम आ गई। इसी तरीके जैसे मैंने इसका यदि वर्गमूल लिया तो मैं जब इसका वर्गमूल लूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, यानी बीच वाली संख्या सेम आ जाएगी, वही संख्या। इसी तरीके से इसमें करूंगा यदि अगर, तब भी मेरा वही निकल के आएगा, बीच वाली संख्या 5 निकल के आएगी, मतलब बीच के सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो आपको ये छोटे पैटर्न से एक बात समझ में आ गई होगी कि यदि यार इस तरीके का सवाल दिए हैं तो मुझे क्या करना है, सीधे सीधे बीच वाली संख्या का वर्ग कर देना है। और यदि अगर इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो मेरा क्या होगा, बीच वाली संख्या ही मेरा उस सवाल का योगफल निकल के आएगी। और यदि यार वर्गमूल नहीं पूछ रहा तो बीच वाली संख्या का वर्ग आएगी, उसका योगफल जब मैं करूंगा तो बीच वाली संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। तो आप लोग ये मतलब हमेशा याद रखना कि ये बात होती है कि जब भी यदि अगर मैं इस तरीके से सीरीज बना के सवाल का योगफल पूछ रहा हूं तो मुझे क्या करना है, सीधे सीधे बीच वाली संख्या का वर्ग करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सीधे सीधे 100 का मैं कर दूंगा वर्ग। तो मैं जब 100 का वर्ग करूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 10,000 मेरा निकल के आएगा। तो इसका जब मैं योगफल करूंगा तो मेरा क्या होगा, 10,000 निकल के आएगा। आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, आपसे आसानी से ये सवाल बन जाएगा जब भी इस तरीके का सवाल कोई भी आता। अब मान लो यदि अगर मैं यही भी और बड़ा पैटर्न कर देता, इसको जाके मैं ले जाता, मान लो कि 999 कर देता और यहाँ पे 1,000 तक ले जाता,
फिर इसके बाद में 999 1000 से वापसी हो जाता। तो आप क्या करते सीधे सीधे इतना बड़ा योगफल में कुछ कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे क्या करना है 1000 का वर्ग कर देंगे तो आप कितना निकल के आएगा 10 लाख हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 यानी 10 लाख हो जाएगा। तो जब भी कितना भी बड़ा पैटर्न पे सवाल आ सकता है, छोटा से छोटा आ सकता है, तो आपको क्या करना है सीधे सीधे बीच वाली संख्या का वर्ग कर देना है, तो आपका आसानी से आंसर निकाल आएगा। अब मान लो जैसे और क्या सवाल है, जैसे मान लो ये सवाल होता कि 1+2+3+.. +79+80+79+.. +2+1 तक वापसी आता और इससे मुझसे पूछ लेता इसका वर्गमूल, इसका मुझसे क्या करता वर्गमूल पूछ लेता, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया जब भी वर्गमूल पूछता है तो बीच वाली संख्या ही सीधे उत्तर होती है, मतलब बीच वाली संख्या ही उसका वर्गमूल निकल के आती है। तो आपका सीधे सीधे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, सीधे सीधे वर्गमूल ले लेना है आपको, तो क्या वो बीच वाली सबसे बड़ी संख्या को ले लेना है, तो आप सीधे ले लेंगे। इतने बड़े सवाल को आप हल करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सवाल को देख करके आंसर इसका लगा देंगे कि क्या होगा 80 होगा, ना कोई कैलकुलेशन करना है ना सवाल को एक भी हल करना है, सीधे सीधे तुरंत आंसर बताना है। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। अब जैसे मान लो और क्या सवाल बना सकता है, थोड़ा सा सवाल को क्या करें चेंज कर दे हल्का सा, जैसे मान लो ये कर दे सवाल को कि 1+2+3+ मान लो +(x-1)+(x+)-1+(+2+1)=, मान लो मैं इसका ले लूं वर्गमूल, इसका मैं वर्गमूल ले लूं और वो बराबर कर दूं जैसे मान लो 189 के, तो क्या होगा। तो जैसे मैंने क्या कहा और इसमें मैं पूछ दूं कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, मैंने ये पूछ दिया x का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे, मैंने क्या बताया कि जब भी वर्गमूल लेना हो अंडर रूट लगा हो तो आपको क्या करना सीधे सीधे x ही उसके बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा, सीधे सीधे x का उत्तर कितना हो जाएगा 169, आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई कोई बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है किसी देसी देश, जैसे उसे ये पैटर्न पता होने के बाद भी वो गलती कर सकता है, कैसा कि x बराबर हो क्या करे 169 उसे दिखाई दे और विकल्प में 13 दिए हो तो 13 मार के चलाए कि उसका वर्गमूल के बराबर होगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैंने क्या बताया कि जब भी इस तरीके का वर्गमूल लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे उसी के बराबर होगा, सीधे सीधे उसी के बराबर होगा। अब यदि अगर वर्गमूल ना लगा होता तब क्या होता, बीज वाली संख्या के वर्ग के बराबर होता, तब आपका आंसर क्या आता 13 निकल गया था इस तरीके से। तो ये भी इन बातों का ध्यान रखना, ये गलतियां ना होने पाए। सवाल में वो क्या करता है, जब भी एग्जामिनर सवाल देता है तो वो हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, सवाल कठिन नहीं होता है, बस वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप इस प्रकार की गलती ना करें कि जैसे ये सवाल दिए तो आप 13 लगा के चले हैं, 13 लगा के नहीं आएंगे, आप सीधे सीधे 169 के बराबर होगा। मैंने क्या बताया है कि बीच वाली संख्या के ही बराबर आंसर आएगा जब भी आपको वर्गमूल लेना होगा। यदि अगर वर्गमूल नहीं लेना है तब आपका क्या होगा उसके वर्ग के बराबर होगा। और मान लो किस तरीके सवाल, जैसे मैं कोई और एक सवाल लिख दूं, ये लिख दूं कि 1+2+3+.. +2n-1+2n-1+2n-1+.. +2+1 = मैं कुछ ले लूं, मान लो मैं इसका क्या कर देता हूं वर्गमूल कर देता हूं, और वर्गमूल करने के बाद में मैं बराबर में ले लूं कि मान लो कि जैसे 50 है तो मैं क्या करूं n का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो, ये मैं पूछ सकता हूं n का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा बीच वाले के सीधे वो बराबर होता है, इसका मतलब इसके बराबर ये सीधे सीधे 50 होगा, यानी क्या होगा कि 2n के बराबर होगा 50, तो n के बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी n का मान कितना निकल के आएगा 25, जो मैंने
पूछा कि n का मान ज्ञात करो तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि बीज वाली संख्या के वो सीधे बराबर होता है, तो 2n के बराबर 50 होगा, तो n का मान कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आ जाएगा। अब यदि अगर आपसे ये पूछ दे कि n स्क्वायर का मान ज्ञात करो, इसी तरीके से जैसे इसी सवाल में मैंने पूछा n का मान ज्ञात करो, आपसे पूछ देता कि n स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करते, n का मान आपके पास 25 है तो आप n स्क्वायर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 के स्क्वायर करने पर कितना आएगा 625। तो सवाल में थोड़ा सा इस तरीके से पूछ सकता है, वो सीधे सीधे आपसे n का मान पूछ सकता है, n स्क्वायर का मान पूछ सकता है, n क्यूब का मान पूछ सकता है, मतलब n का मान निकालने के बाद में उसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, सेम n का मान पूछ दे, स्क्वायर का मान पूछ दे, या और भी कुछ पूछ सकता है, n प्लस वन जो भी वो पूछना चाहे पूछ सकता है। तो आपको n का मान निकालने के बाद में जो भी वो पूछेगा आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब मान लो जैसे मैं थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज कर दूं, मान लो जैसे इस तरीके का सवाल जब भी आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब इसके अलावा जैसे मान लो कोई सवाल मैं ले लूं, एक सवाल मैं ले लेता हूं, एक तो जैसे मान लो ये दियो एक सवाल को, और फिर मैं उसका पैटर्न समझाता हूं आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने ये सवाल लिया कि वन 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 डॉट 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 मैंने ले लिया 20 बार, फिर मैंने इसमें क्या किया घटा दिया 2 2 2 डॉट 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 10 बार मैंने क्या किया घटा दिया इसमें, और फिर इसके बाद मैंने इसका ले लिया वर्गमूल। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप उसे किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने इसका क्या किया वर्गमूल ले लिया, मैंने वर्गमूल ले लिया, तो जब भी इस तरीके का सवाल आपको क्या बोल रहा है कि 1 1 20 बार लेना है, फिर उसमें 2 2 10 बार लेके क्या करना घटाना है, दोनों को क्या करना घटाना है, तो घटाने पर क्या निकल के आएगा आपको ये बताना है। तो जैसे मान लो इस तरीके का सवाल आता है तो आप किस तरीके से उसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है कि एक छोटे पैटर्न से आपको इसे समझना है कि क्या होता है। जैसे मान लो ऐसा सवाल आया, वो विकल्प दे देगा, विकल्प किस तरीके से देगा कि 1 1 1 20 बार, 1 1 1 10 बार, 2 2 2 10 बार, 3 3 3 10 बार, इस तरीके से विकल्प देगा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब देखना क्या होता है, जैसे मान लो मैं क्या करूं, उसने क्या किया कि 1 को जितनी बार लिया है तो 2 को इससे आधे बार लिया है, मान लो यदि इसे वो 20 बार ले रहा है तो 2 को क्या कर रहा है 10 बार ले रहा है, यदि यार इसे मान लो वो 40 बार लेगा तो 2 को क्या करेगा 20 बार लेगा, मतलब आधे बार ले रहा। तो जैसे मान लो मैं ये करूं कि 2 को 2 बार लूं और वो 1 को 2 बार लूं और 2 को 1 बार लूं, उन्हें घटाऊं, और घटाने के बाद में मैं क्या करूं उनका ले लूं वर्गमूल, तो मेरा कितना निकल के आएगा अंडर रूट 9, जब मैंने 11 में 2 घटाया तो 9 आया, तो मेरा वर्गमूल कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, ठीक। अब यदि यार मैं क्या करूं कि 1 को 4 बार ले लूं और 2 को 2 बार ले लूं, इसका वर्गमूल करूं तो मेरा कितना निकल के आएगा, जब मैं इसे घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा, 11 में 2 गए तो 9 आया और 10 में 2 गए तो 8 आया, फिर यहाँ पे कितना बचा 1000 कितना बचा 1089। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 33 होता है, तो क्या हुआ 3 3 आया 2 बार। अब इसके बाद में जब यदि यार मैं इसे 6 बार ले लूं, तो जब मैं इसे 6 बार ले लूंगा और इसमें क्या करूंगा 2 3 बार घटाऊंगा, तो जब मैं इसे घटाऊंगा तो मेरा कितना निकलेगा अंडर रूट 9 8, फिर इसके बाद में 9 और 8 बचा, फिर इसके बाद में 8 आया, फिर इसके बाद में क्या हुआ 0, जैसे 11 में 2 गए तो 9 आया, फिर 10 में 2 गए 8 आया, 10 में 2 गए 8 आया, फिर इसके बाद में यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे 1 1 1 ही तो बचेगा। तो आप जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको यही 3 3 निकल के आएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब यदि अगर आप 2 को एक बार घटा रहे हैं, 1 को 2 बार लेके जब उसमें 2 को एक बार घटा रहे और उसका वर्गमूल कर रहे हैं तो एक बार 3 निकल के आ रहा। जब आप 2 को 2 बार घटा रहे हैं तो आपका आंसर वर्गमूल लेने के बाद 3 3 बार आ रहा है। जब आपको 2 को वो जब यदि अगर आपने क्या किया 2 को 2 बार लिया तो आपका आंसर 3 2 बार आया, जब आपने 2 को क्या किया 3 बार लिया तो आपका आंसर क्या हुआ
तीन तीन बार निकल के आया। तो जब भी इस तरीके से घटाने पर सवाल आते हैं तो आपका क्या होता है कि जितनी बार आपने दो लिया है उतनी बार आपका घटाने पर क्या होता है, तीन निकल के आता है। तो जब भी इस तरीके के सवाल कभी आता है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे तुरंत आंसर लगाएंगे देख करके कैसे। जैसे मान लो उसने क्या किया, एक को उसने क्या किया 20 बार लिया, दो को उसने 10 बार लिया, तो जब आप इसे घटा के उसका वर्गमूल लेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तीन। तीन आपका कितनी बार निकल के आएगा, 10 बार आपका ये हो जाएगा आंसर। जब इस तरीके सवाल आता है तो आप ऐसे करेंगे। विकल्प में इसी तरीके से दिया होगा 111 20 बार दिया होगा, 111 10 बार दिया होगा, 222 10 बार दिया होगा, 333 10 बार दिया होगा, इस तरीके से विकल्प दिए होंगे। तो इस तरीके का सवाल जब भी आता है तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। जितनी बार दो आया घटाया गया उतनी बार तीन निकल के आएगा आपका। ठीक, बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं इस पर आधारित कि दे देता है 111 100 बार, फिर माइनस कर देता है 222 50 बार, तो आंसर कितना निकल गया है। तो आप सीधे बताएंगे कि यदि आप 222 50 बार घटा है तो 3333 50 बार उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो सवाल यह होता कि अंडर रूट 111 मान लो x बार और इसमें आपको घटा दिया जाए 222 y बार, ये मैंने घटा दिया, इसका ले लिया वर्गमूल। तो जैसे मैंने इसका वर्गमूल लिया तो वर्गमूल लेने के बाद में जैसे मान लो ये निकल के आता है, ना दिखाई दे मैं नीचे लिख देता हूं, मान लो जैसे ये निकल के आता है 3333333 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मान लो ये निकल के आता है कि 3 3 10 बार, मान लो ये निकल के आता है, इस तरीके का सवाल आ जाए और ये निकल के आता है और आपसे पूछ दे कि 3x प्लस 4y का वर्गमूल कितना होगा, ये पूछ दे आपसे, इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप उसे किस तरीके से करेंगे, आप पता कैसे करेंगे कि x का मान कितना है y का मान कितना है। यदि यार आपको x का मान पता चल जाए y का मान पता चल जाए तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल देंगे। तो जब मैंने अभी पिछले सवाल जो मैंने बताया तो मैंने क्या कहा कि जितने बार x होता है उससे आधे बार, मतलब जितने बार एक होता है उससे आधे बार दो होता है, और आंसर क्या निकल के आता है, जितने बार दो होता है उतने बार तीन उसका आंसर निकल के आता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे तीन कितनी बार आया, 10 बार आया। तो तीन जब 10 बार आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दो कितनी बार आया होगा, 10 बार आया होगा, इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। और जब y 10 बार आया होगा तो हमारा x कितनी बार आया होगा, उससे दो गुना बार आया होगा, यानी कि ये 20 बार आया होगा, x हमारा 20 बार आया होगा और y हमारा 10 बार आया होगा। तो क्या हो जाएगा, जब मैंने इसे लिया तो अंडर रूट, मैंने इसे लिया तो x का मान मेरा 20 है तो 20 तेरह कितना हुआ 60 हुआ, और y का मान मेरा 10 है तो 10 चौके 40 हुआ, तो ये कितना निकल के आया, अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब कितना हुआ, 10 निकल के आया। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप उसे इस तरीके से आसानी से कर लेंगे, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी मान लीजिए आपके इस तरीके के सवाल आते हैं तो उन्हें आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो आप वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अब इसके बाद में मिलेंगे अब अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।